पोहा का मसाला है। पोहा मसाला? पोहा मसाला जो पोहा खाते वो वाला? वही वाला। अच्छा, ये ऑनियन डाला, ये ऑनियन डाला, उसके बाद पीनट डाल देना। अच्छा, इतना सारा? हाँ, और उसके बाद फिर मसाला डाल देना। फिर मसाला। हेलो काका, कैसे हो? अरे बिल्कुल मस्त। मस्त हो? अरे क्या नाम है आपका? मैं पाटीदार हूँ, वसंत भाई। कहाँ से हो आप? हम एक्चुअली गुजराती है, गुजरात से। इधर 25 साल हो गया जो दाबेली का व्यवसाय कर रहे हैं। एक्चुअली क्या, ये जो माल है ना वो पोहा का बनता है। वैसे आप ऑल इंडिया में जाओगे ना तो आलू की दाबेली मिलेगी। अब ये सवाल ये है कि बच्चे लोग, बड़े लोग, छोटे मोटे सभी लोग पसंद करते हैं। CII का राष्ट्रीय अवार्ड मिला है मेरे को, नेशनल अवार्ड। भारत सरकार ने दिया है, लेकिन संजीव कपूर से दिलाया था दिल्ली में। तो एक बार आइटम दिखा दीजिए, ये क्या चीज है आप? देखो ये पाव है, ये पोहा का मसाला है। पोहा मसाला? पोहा मसाला जो पोहा खाते वो वाला? वही वाला। अच्छा, ये ऑनियन डाला, ये ऑनियन डाला, उसके बाद पीनट डाल देना। अच्छा, इतना सारा? हाँ, और उसके बाद फिर मसाला डाल देना। फिर मसाला और लहसुन अदरक वाली मिर्ची डाल दिया, और फिर बटर में फ्राई कर देना। अच्छा, ये बटर में फ्राई हो जाए? बटर में फ्राई हो। तो भाई ये दावेली जो आप देख रहे हैं, ये काका की पसंदीदा दावेली है और लोगों द्वारा बहुत पसंद की जाती है। पीछे भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं, इनकी दावेली खा रहे हैं। प्राइस वगैरह क्या रहता है दादा? 30 रुपया पर पीस। 30 रुपये रहता है ये बटर में सेकते हैं आप? हाँ ना। और ये साथ में क्या लगाते हैं? नमकीन है? कौन सा नमकीन? नमकीन है, 0 नंबर वाला। काका एक बार एड्रेस बताओ, क्या एड्रेस है? ये सिविक सेंटर चौपाटी बोलते हैं, दवा बाजार के सामने, मड़ाताल, जबलपुर। जबलपुर। तो भाई हमारी लगने जा रही है काका की फेमस दावेली। एक लगा दे, इसमें डाल दे, एक लगा दे काका, एक और। तो भाई हमने काका की फेमस दावेली लगवा ली है। साइज इतना बड़ा है इस दावेली का और प्राइस है केवल 30 रुपए। किस तरह से बनती है वो मैंने आपको दिखाई, अभी एक बार इसका टेस्ट भी बताऊंगा कि टेस्ट है कैसा। वैसे जबलपुर में सबसे फेमस दावेली जो है बनाते हैं वो हमारे काका बनाते हैं। ये देखें भाई, भाई जैसा नाम काका का वैसी काका की दावेली। और अवार्ड मिला है इनको, नेशनल अवार्ड मिला हुआ है संजीव कपूर के द्वारा। तो भाई दावेली का स्वाद है ना, यूनिक टाइप का स्वाद है। इसमें लहसुन का फ्लेवर आ रहा है, काका से जाना हमने, उन्होंने बताया कि चटनी में ये लहसुन यूज करते हैं, बहुत अच्छा फ्लेवर दे रही है। और जो मसाला है पोहे का, लाजवाब है। तो भाई अगर आपको भी खानी है काका की फेमस दावेली तो आपको आना पड़ेगा जबलपुर में, सिविक सेंटर चौपाटी है वहीं पर। काका तकरीबन दोपहर में 3 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक स्टॉल लगाते हैं, तो आप वहाँ पर आके काका की दावेली ट्राई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करा। मिलता है किसी और नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।